फ्रेंड्स, हाउ टू कंट्रोल एंगर। इस टॉपिक पर तो हजारों वीडियोस हैं, पर फिर भी एंगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्या वो सब गलत बता रहे हैं? नहीं, वो गलत नहीं बता रहे, हम कोशिश गलत कर रहे हैं। गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल करने की सोचने से पहले ये तो देखो कि गुस्सा है क्या चीज़। अगर ध्यान से समझे तो खुद पर से कंट्रोल छूट जाना ही तो गुस्सा है। जब आप गुस्से में होते हो तो आप अपने नियंत्रण में नहीं होते। गुस्से को क्या खा कंट्रोल करोगे? पर उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत भी कहाँ है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इतना तो हम सब जानते हैं कि गुस्सा एक प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम, एक रोग जो हमें हद से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। पर एक रोग के साथ तो हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो उससे बचाव या फिर उसका उपचार। गुस्से के साथ भी यही किया जा सकता है। पहला, कुछ ऐसा करें जिससे गुस्सा आए ही ना, और ये बेहद सरल है, एक छोटा सा उपाय है। उसके बाद आप चाहकर भी गुस्सा कर ही नहीं पाओगे। कंट्रोल वंट्रोल की झंझट ही ख़त्म। और दूसरा काम जो गुस्से के साथ आप कर सकते हो वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा कठिन है पर उतना ही उपयोगी भी है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और हमारे खून में अत्यधिक एनर्जी दौड़ने लगती है हार्मोन्स की वजह से। तभी गुस्से में हम वो कर सकते हैं जिसकी सामान्य हालत में कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उस समय उस एनर्जी के बहाव में हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमें बाद में पछतावा होता है और कहते हैं कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। पर आप भूल जाते हो कि एनर्जी को दबाया नहीं जा सकता, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, गुस्से से लाभ उठा सकते हैं। पर यह तो बाद की बात है, हम ऐसी स्थिति आने ही ना दें तो और भी अच्छा, गुस्सा आए ही ना तो और भी अच्छा। मुझे तो नहीं आता। अगर आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहले तो खुद को दोष देना बंद कर दीजिए और फिर शांत होकर सोचिए कि क्या गुस्सा आपकी परमिशन के बगैर आ सकता है। माना कि गुस्सा आने के बाद आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता, आपका कोई बस नहीं चलता। पर मेरा सवाल ये है कि क्या गुस्सा आपसे पूछे बिना, आपके बिना चाहे आता है, या फिर आप गुस्सा करना चाहते हैं तो आता है? सीधा सा सवाल, गुस्सा आता है या गुस्सा आप करते हैं? इस सवाल की जड़ों तक जाना जरूरी है। अगर आप गुस्से से परेशान हैं और आप एंगर के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो हाँ, पर इसे समझना इतना सरल भी नहीं है। आपको लगता होगा कि गुस्सा तो कंडीशंस को देखकर अपने आप ही आ जाता है, तो चलो कुछ कंडीशंस की बातें कर लेते हैं। सोचिए, कोई अचानक से आपको धक्का मार के गिरा दे और आप गिर पड़े तो आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, भले ही आपको चोट ना लगी हो। दूसरी कंडीशन, आपको ठोकर लगे और आप गिर जाएं पब्लिक के बीच में तो भी आपको गुस्सा आएगा, पर इस बार गिराने वाले यानी खुद पर नहीं बल्कि देखने वालों पर गुस्सा आएगा। अब थर्ड कंडीशन, आप अकेले में ठोकर खाकर गिर जाएं, तब आपको जरा भी गुस्सा नहीं आएगा, भले ही आपको चोट भी लगी हो। पता है क्यों? क्योंकि उस समय गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं, लाभ तो पहले भी नहीं था, पर उस समय आप खुद को कमज़ोर फील ना करें इसीलिए गुस्सा करना ज़रूरी था। आपको आपके घर में कोई आपसे छोटा कुछ थोड़ा सा भी गलत बोल दे तो गुस्सा, आप उस पर खूब चिल्लाएंगे। पर आपका बॉस आपको कितना भी गलत कह ले, आप उस पर कभी नहीं चिल्लाते। क्यों नहीं चिल्लाते? क्यों, कभी मारा है बॉस को मुक्का? कोई आपसे कुछ छीन ले तो गुस्सा, पर बिजनेस में अगर नुकसान हो जाए तो कोई गुस्सा नहीं, किस पर गुस्सा करें? कोई गलती से आप पर कचरा डाल दे तो कितना चिल्लाते हो, पर अगर कोई पक्षी आप पर गंदगी करके उड़ जाए तो गुस्सा नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उस पर चिल्लाने से आप मूर्ख लगोगे। किसी गाड़ी के पास से निकलने पर आपको छींटे लग जाएं तो गुस्सा और मन में जो आया वही कहोगे, पर अगर खुद गलती से कीचड़ में पांव रखा जाए तो कोई बात नहीं, और फिर भी आप कहते हो कि गुस्सा आता है हम करते नहीं। कमाल है ना? यही नहीं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, शारीरिक चोट हो या मानसिक पीड़ा, गुस्सा वहीं पर आएगा जहाँ गुस्सा करने की छूट हो, जहाँ कोई सामने हो जिस पर आप गुस्सा निकाल सकें। गुस्सा कभी भी आपसे बिना पूछे, आपके बिना चाहे नहीं आएगा। यकीन ना हो तो इस बार गुस्सा आए तो ध्यान रखना, क्या आपने चाहा नहीं था? क्या आपने गुस्से को बुलाया नहीं था? उस समय आपका पूरी तरह से नियंत्रण था, बस था। पर जब एक बार आपने गुस्सा कर लिया, एक बार आपने उसे परमिशन दी, तो फिर गुस्सा आप पर नियंत्रण कर लेगा। फिर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो बिना गुस्से के आप सोच भी ना सकें। अब यहाँ पर गुस्सा होने के बाद हम केवल तीन काम कर सकते हैं। पहला, खुद गुस्सा ही बन जाएं और जो भी हो रहा है उसे होने दें, जैसा कि हम अमूमन करते ही हैं। दूसरा, गुस्से को दबाएं,
यह भी हमें कभी कभार करना पड़ता है, जैसे बॉस के सामने। पर फिर भी हम उसे दबा नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं तो निकलता है। हमसे कमज़ोर जो हैं, जिन पर हम गुस्सा निकाल सकते हैं, उन पर निकलता है, या फिर हमारे शरीर और मन को ख़राब करता है। तीसरा, उस गुस्से की एनर्जी को उपयोग करना सीख जाएं। वहाँ तक बात जाने ही क्यों दें, गुस्सा आने ही क्यों दें, जब आपको पता है कि गुस्सा आपके चाहे बिना, आपके बुलाए बिना नहीं आता, तो क्यों बुलाएं? अब करना क्या है ये मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ, जो कि रियल ट्रिक है गुस्सा ना आने की। वो ये है, जब भी कुछ ऐसा हो, जब भी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो, क्रोध करने लायक स्थिति हो, तो एकदम से उस पर कोई रिएक्ट ना करें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें, बस कुछ क्षण। जैसे आपको कोई अचानक से थप्पड़ भी मार दे, तो भी एकदम झटके से उसे वापस ना मारें। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे वापस मारें ना, पर बस एक मिनट रुकें, पहले अपनी सांसों को देखें, उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, फिर गहरी सांस लें और फिर सोचें कि इसने मुझे क्यों मारा और अब इसके जवाब में क्या किया जा सकता है, किस प्रतिक्रिया का आगे चलकर क्या परिणाम होने वाला है। सोचें कि कोई कारण तो है, बिना कारण तो ये मुझे मारेगा नहीं, या तो ये गलत है, या फिर मैं गलत हूँ, या फिर ये पागल है, इनमें से एक चीज़ तो है। परिस्थितियों को देखें, हो सकता है वो खुद आपको मारकर पछता रहा हो और आप उसे वापस मारकर उसके पश्चाताप को फिर से गुस्से में बदल दें। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ ना किया तो वो खुश हो रहा हो और उसे मज़ा आ रहा हो और वो आपको फिर से मारने की सोच रहा हो, तो फिर आप गुस्से को आने दे सकते हैं, फिर जो चाहे सो करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुस्सा ना करें, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप गुस्सा करने या कोई भी रिएक्ट करने से पहले बस एक मिनट रुक जाएं, एक मिनट रुक कर परिस्थितियों को देख लें, खुद पर ध्यान दें, फिर जो चाहे वो करें। बस इतना अगर आपने कर लिया तो चमत्कार हो जाएगा। एक मिनट रुकने के बाद आप शायद ही गुस्सा कर पाएं, क्योंकि उस समय तक आप सच्चाई को जान जाएंगे। ये सच्चाई कि गुस्सा आपको तभी आता है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो। पर परिस्थितियां कहाँ किसी के अनुकूल होती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल होनी ही हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें और प्रतिकूल ना बनाएं। और ये सच्चाई कि आपको गुस्सा आता है जब कोई दूसरा, जिससे आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता या आपका विश्वास तोड़ता है। पर क्या आपसे किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं है? क्या आप कभी किसी के एक्सपेक्टेशंस को नहीं तोड़ते? क्या आपने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा? आप खुद से नीचे के लेवल या पोजीशन वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके अनुसार काम करें और उनकी स्ट्रेंथ आपके जैसी हो, तो क्या आप खुद से ऊपर की पोजीशन वालों के बराबर स्ट्रेंथ रखते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं? आप अपने चारों तरफ के लोगों को और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में तो लेना चाहते हैं, पर आपको कैसा लगेगा जब आपको कोई अपने नियंत्रण में चलाए? तो भाई, हर किसी का अपना लेवल है और अपना दिमाग है, वो उसी के अनुसार काम कर सकता है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। आप अपने घर में अपने से छोटों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, क्या आपने अपने से बड़ों की सभी एक्सपेक्ट को पूरा किया है? क्या आप हमेशा उनके हिसाब से चले हैं? हर इंसान उतना ही कर सकता है जितनी उसकी सामर्थ्य है, उससे ज़्यादा नहीं। हर इंसान अपने ही हिसाब से चल सकता है, हम या कोई और उसे सलाह तो दे सकता है पर उसे बाध्य नहीं कर सकता। पर आप उन पर गुस्सा करते हैं, और आप जानते हो गुस्सा करने का मतलब क्या है? गुस्सा करने का मतलब है अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में देना। अगर मुझे पता है कि मैं आपको इस प्रकार से गुस्सा दिलवा सकता हूँ, तो क्यों मैं आपको बार बार गुस्सा दिलाऊँ और आप ही से आपका नुकसान करवाऊँ? और अगर आपको ये लगता है कि कमज़ोर इंसान गुस्सा नहीं कर सकता, क्रोध करने में हिम्मत चाहिए, क्रोध करके आपको एक मर्द की सी फीलिंग आती है, जो कि आती है, मज़ा आता है गुस्से में दूसरों को कंट्रोल करने का। आपको पता है, क्रोधी लोग हमेशा ऐसी मूवी ज़्यादा देखते हैं जिनमें हीरो विलन से बदला लेता है, क्योंकि वही गुस्सा आता है और वही मज़ा आता है, दूसरों को हराने का मज़ा, जीतने का मज़ा। अगर ऐसा है तो एक बार बदलापुर देखिए, समझ जाएंगे कि ये जीत नहीं, हार है। ये सिर्फ आपका वहम है, वरना कोई ताकत नहीं है गुस्सा करने में। ये तो कमज़ोरी को छिपाने की कोशिश है। किसी ताकतवर और सक्सेसफुल इंसान को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखोगे, कभी नहीं, और न ही उसे कभी सहन करते हुए देखोगे। वो गलत का प्रतिकार करेगा, ज़रूर करेगा, पर गुस्से से नहीं, बुद्धि से, विवेक से और अपनी विल पावर से, सोच समझ कर। अब आप एक इमेजिनेशन करें,
दो आदमी हों और एक तीसरा आदमी आकर अचानक से उन्हें जोरदार थप्पड़ मारे दोनों को, और उनमें से एक तुरंत रिएक्ट करे और बिना सोचे समझे थप्पड़ मारने वाले की अच्छी सी धुलाई कर दे, और दूसरा कुछ क्षण रुके, शांत रहे, सोचे, परिस्थितियों को देखे, कारण को समझे और उपचार को भी, और फिर कुछ रिएक्ट करे। तो इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है? पहला वो जिसने रिएक्ट किया, या दूसरा वो जो रुका, जिसने सोचा? कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अपने जीवन में? यकीनन दूसरा। अरे रिएक्ट तो कोई भी कर देगा, उसके लिए ताकत की क्या ज़रूरत है? जानवर भी रिएक्ट करते हैं, उसके लिए तो इंसान होना भी ज़रूरी नहीं है। ताकतवर वो है जो रुका, ताकतवर वो नहीं जिसका दूसरों पर कंट्रोल है, बल्कि वो जिसका खुद पर कंट्रोल है। गुस्से से आप भले ही दूसरों पर कंट्रोल कर लें, पर खुद पर से कंट्रोल यकीनन छूट जाएगा, और अगर आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पावरफुल वो है जो प्रतिकूल स्थिति में भी अपना संतुलन बनाए रख सकता है, वही तो इंसान है। तो बस जब भी कुछ ऐसा हो, रुकें, गहरी सांस लें, देखें, समझें, और फिर जो करना हो करें। होश में रहें, गुस्सा कभी नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। बस इतना ही। अगले वीडियो में बातें करेंगे कि गुस्सा आने के बाद उसे ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए और कैसे उस एनर्जी का बेटर यूज किया जाए। इन दोनों में से एक विधि निश्चित ही आपके लिए भी काम करेगी। हाँ, अब अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला वीडियो तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अपने सवाल या सुझाव कमेंट्स में मुझे बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।